अब आपने ये वीडियो देखी, इसमें इसने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डिस्कशन किया है, मगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अलावा पहले तीन स्टेजेस भी डिस्कस किए हैं। तो मैं भी ज़रा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि ये जो पहले तीन स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थे ये क्या थे। देखें, पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो बेसिकली पानी और स्टीम का था। स्टीम इंजन बने, स्टीम इंजन में हमने देखा कि उससे पावर आई, उससे फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया, रेलवे इंजन बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। तो ये जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो बेसिकली वाटर और स्टीम का था। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करता था, मगर उसमें मास प्रोडक्शन हुई, डिवीजन ऑफ लेबर हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगीं और एक रेवोल्यूशन आ गया, गाड़ियाँ बनी। तो ये जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसने ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बास लोगों का तो ये कहना है कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बड़ी गड़बड़ें भी हुई। मिसाल के तौर पे बाद लोगों का ये ख्याल है कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कफोर्स हुई उससे दोनों वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, लोगों करोड़ों लोग मारे गए एंड सो ऑन। तो ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये था। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना बेसिकली कंप्यूटर्स का और डिजिटल रेवोल्यूशन था। ये 60s में आया, 70s में, और इस 60s और 70s में इसने फिर दुनिया तलपट करके रख दी। क्या हुआ कि कंप्यूटर्स के थ्रू हम बहुत सारी कंप्यूटिंग करने लगे, फिर इंटरनेट आया, फिर मोबाइल आया, तो ये सब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट थे। तो बेसिकली डिजिटल रेवोल्यूशन जो है ना वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात है। 2014 के बाद फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और ये चल रहा है अभी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने तीन चीज़ों का मिलाप देखा। देखिए, डिजिटल तो थर्ड भी था, डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल जो आपके स्फीयर्स हैं ये तीनों मिल गए जिंदगी के। मैं फिर रिपीट करूं, डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल स्फीयर्स तीनों मिल गए और हमने एक नया इख्तिरा देखी इंसानी तरक्की में। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो तीन चीज़ का तो मिलाप है ही, मगर आप दूसरी तरह से अगर देखें ना इसको तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत सारी ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन, इन सब को भी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में शामिल करते हैं और हम टेक्नोलॉजी के व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं। तो हम या तो व्यू पॉइंट पे देखें कि किस तरह डिजिटल ने फिज़िकल दुनिया में अपना कदम जमा लिए हैं और हमारी जो फिज़िकल लाइफ्स हैं उन पर रोज़ाना असरअंदाज होने लगा, और दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी वाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है। तो ये दो तरीके हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखने के। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जो ये देखने वाली है कि किस तरह ये सोसाइटी को इसने ट्रांसफॉर्म किया है और आगे चल के इसका सोसाइटी पे क्या असर आएगा। मैं रिपीट करूं, देखें, एक तो ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी ज़िंदगी को बदल देगा, मगर हमारी सोसाइटी पे इसका क्या असर आएगा, कैसे बदलेगा और इसके क्या सिर्फ अच्छे इफेक्ट्स होंगे, क्या बुरे इफेक्ट्स भी होंगे। थर्ड और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो एक और मेजर फ़र्क है ना वो स्पीड का है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जितनी बेपनाह स्पीड से चेंज आता है वो हैरान कुन है। आप मोबाइल देख लें, पिछले 10 साल में आपकी तरह फैल गया पूरा सोसाइटी में। बास तो नए गेम्स आते हैं, 3-4 महीने में पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग प्ले कर रहे होते हैं, जबकि शुरू में टेलीफोन जो है ना उसको बहुत साल लगे थे फैलने में। और पुरानी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चेंज जो था बहुत स्लो था, अब जो चेंज है ना वो बहुत ही फास्ट हो गया। अच्छा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो अपने मसाइल भी लेके आया, इसके इश्यूज़ भी हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि ये विनर टेक ऑल सोसाइटी क्रिएट करेगा। अच्छा, विनर टेक ऑल सोसाइटी समझने के लिए आप ये समझें कि पाकिस्तान की जो अभी कल्चर हुई है ना वो विनर टेक ऑल सोसाइटी है। यहाँ गरीबों का कोई परेशान हाल नहीं है, जो पैसे वाले लोग हैं और जिनको रिसोर्सेज पे जमे हुए हैं, वैसे कि पिछले दिनों में कुछ चेंज आया है, अल्लाह करे ये चेंज बरकरार रहे, मगर अभी तक जो ज़्यादातर पाकिस्तान की तारीख रही है उसमें क्या है, विनर टेक ऑल सोसाइटी है। जो पैसा और ताकतवर वाला है वो सारे पैसे अपने पास रख लेता है और गरीब आदमी का कोई परेशान हाल नहीं है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये ख्याल हो रहा है जिनके पास नॉलेज होगी, जिनके पास पैसा होगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, जो मेरे जैसे लोग होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं एंड सो ऑन, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उनके पास तो बहुत पैसा होगा, मगर विनर टेक ऑल, मगर बाकी लोग का क्या होगा, उनका अल्लाह ही हाफिज़ है।
जब मैं अल्लाह ही हाफिज कहता हूँ ना, तो हर चीज़ में ना छुपा हुआ होता है, हर मुसीबत हर मुश्किल में ना अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। तो ये आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी बदलें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे मसाइल क्रिएट होंगे, मगर पोटेंशियल ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी ज़िंदगी बदलने की, अपने ख़ानदान की और अपने मुल्क की। तो हमारा यही आइडिया है सारा कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, जब आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो आप ये मत समझिए कि एकदम फैल जाएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना वेव्स में आएगा। देखिए, पहली वेव थी 2014 से शुरू हुई ना, पहली वेव थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह की और कंप्यूटर्स को मिनीचराइजेशन की और सो ऑन। सेकेंड वेव जो होगी ना, वो ब्लॉकचेन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जिसके अंदर से अब गुजर रहे हैं। और थर्ड वेव नैनो टेक्नोलॉजी की होगी, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसका भी हमें पता भी नहीं है, तो वेरिएबल्स की टेक्नोलॉजी होगी एंड सो ऑन। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो थर्ड फेज़ है, वो हम अभी सेकंड से गुजर रहे हैं और फिर हम थर्ड फेज़ में जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि ये तो एक इंसानी तरीका है डिवाइड करने का कि तीन हिस्सों में बांट दिया, मगर आपने ये सोचना है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये नहीं होगा कि एक दिन सुबह आप उठे तो सब कुछ चेंज हो गया। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली मुख्तलिफ वेव्स में फैलेगा। जो है ना, ये मसला पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम ना बहुत पीछे हैं डेवलप वर्ल्ड के। बाज़ लोगों का ख्याल है 200 साल पीछे हैं, मगर जितने भी 100 साल या 70 साल तो पीछे हैं ही। तो वो कहते हैं, वो जो फिल्मी डॉलर है ना, कि तेरा क्या बनेगा कालिया, वो हमारे साथ मामला है कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज हैं, उसका हम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा एज पाकिस्तान पे, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए हमें स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। तो हमने एक साहब है एंड्रू इंग जो है ना, AI के एक्सपर्ट हैं, दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने एक स्ट्रेटजी सजेस्ट की है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। वो ये कहते हैं कि लीपफ्रॉग स्ट्रेटजी अपनाई की जाए, मेंढक की तरह छलांग मार के। पहले तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, मसला ये है कि हम पहले तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो कुछ था ही नहीं, हमारा हयात ही नहीं था। तो हम क्या करें, एक मेंढक की तरह छलांग लगाएं लंबी सी और सीधा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लीड करें। हम पाकिस्तान के लिए वही PIAIC में स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो पहले तीन हैं, हम उनमें इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम चौथे में डायरेक्ट चले जाएं। तो ये हमारी लीपफ्रॉग स्ट्रेटजी है। और बेसिकली यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये एंड्रू इंग ने सजेस्ट किया। एक तो लीपफ्रॉग स्ट्रेटजी मैंने आपको जिक्र किया, दूसरा काम क्या है, हम ये करें कि जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और ये सारी टेक्नोलॉजीज जब हम अडॉप्ट करें, क्लाउड कंप्यूटिंग जब ये अडॉप्ट करें ना, तो इनको अपने इंडस्ट्री वर्टिकल्स में लगाएं। किन चीज़ों में, ये भी एंड्रू इंग का ही कॉन्सेप्ट है कि वो ये कह रहा है कि आप ये करें कि AI कहाँ लगाएं, हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाएं जिसमें पहले ही अच्छे, ये वर्टिकल इंडस्ट्री है। हम अपने लेदर गुड्स में लगाएं जिसमें हम पहले ही अच्छे हैं। हम आमों की सिलेक्शन में लगाएं, आमों की प्रोडक्शन में लगाएं, खेती बाड़ी में लगाएं, एग्रीकल्चर में लगाएं। तो वो ये कह रहा है कि हम ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी एक्वायर करें और अपने जो वर्टिकल्स हैं जिसमें हम पहले ही अच्छे हैं, उन चीज़ों पर अप्लाई करें। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी है हम PIAIC की, कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हम पहले तो फोकस करें सिर्फ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज पे, और उनको अडॉप्ट करके हम अपने वर्टिकल्स में इसको लगाएं। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हार्ट है ना, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसमें बोथ कंज्यूमर भी और इंडस्ट्रियल भी। जब मैं इंडस्ट्रियल की बात करता हूँ तो स्मार्ट फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जब मैं कंज्यूमर की बात करता हूँ तो मैं स्मार्ट ऑफिसेज की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट होम्स की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम इसका जो अफेक्ट होगा ना, मैकेंजी कह रही है कि स्मार्ट फैक्ट्रीज का जो अफेक्ट है ना, वो $2.3 trillion होगा बाय 2025। तो स्मार्ट फैक्ट्रीज पे भी बड़ा अफेक्ट होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो उसका दिल है ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दिल है, और ये क्या करेगा, एक टोटली रेवोल्यूशनाइज कर देगा जिस तरह हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस तरह हम चीज़ें बनाते हैं। और हम क्या करेंगे, कस्टमाइज चीज़ें, अभी क्या होता है मास प्रोडक्शन होती है, मगर आगे चल के हम कस्टमाइज कर सकेंगे। एक यूज़र के लिए गाड़ी, आप कहेंगे मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए तो आपको वो गाड़ी मिलकर मिलेगी। तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ये उसका कमाल होगा, और ये बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दिल है।
अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो थिंग्स हैं वो सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं जो सब इंटरनेट पे कनेक्टेड है। जस्ट कोई मशीन है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंटरनेट ऑफ थिंग नहीं है, बल्कि जो थिंग है, मिसाल के तौर पर आपका बिस्तर है, बिस्तर में मैं एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर लगा लूँ, आप कंप्यूटर ही समझ लें उसको, वो थिंग बन जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग का पार्ट बन जाएगा और उसको मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर दूँ। तो आप जब बिस्तर पे सो रहे हैं तो हमें बताओ कि आपकी सही नींद आ रही है आपको या नहीं आ रही, और इंटरनेट पे हम इसका डेटा जमा कर रहे हों और पलंग से सेंसर से ये डेटा ले रहे हों। बल्कि ये अगले स्टेज पे ये भी हो सकता है कि एक्चुएटर्स के जरूर पलंग का एंगल चेंज कर दें ताकि आप सही तरह सो सकें। तो हमने क्या देखा, सेंसर्स देखा, एक्चुएटर्स देखा, फिर इंटरनेट कनेक्शन देखा, फिर थिंग के अंदर कंप्यूटर लगा के उसको इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्ट किया। ये सब कुछ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दिल है और ये स्मार्ट फैक्ट्रीज की सूरत में, स्मार्ट होम्स की सूरत में, स्मार्ट ऑफिस की सूरत में दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। सवाल ये बचा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, IoT है क्या। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT रेफर्स टू द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट कलेक्टिंग, शेयरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कनेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट, बल्कि ये सारा डेटा क्लाउड पे जाता है और वहाँ एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं, एक्शन डिसाइड करते हैं कि एक्शन क्या ले, और ये हम एक्शन भी लेते हैं इस पर। ये पॉसिबल कैसे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉसिबल है दो वजह से। एक, जो कीमतें हैं ना माइक्रो प्रोसेसर्स की, माइक्रो कंट्रोलर्स की, ये गिरी हैं बहुत। और दूसरी बात, ये इंटरनेट जो मास फैला है, जो कनेक्शंस मास फैले हैं, वाईफाई, 5G, आगे चल के और सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया है, एक तो प्रोसेसर्स बड़े सस्ते हो गए और फिर कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में फैल गई है और सस्ती है और स्टैंडर्डाइज हो गई है। तो इन दो वजूहत से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये रेवोल्यूशन आ रहा है। मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ना दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ के सुनाता हूँ। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एम्बेडेड सेंसर डेटा टू द क्लाउड फॉर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग। अच्छा, इसमें एम्फेसिस क्या है, हमारे पास सेंटर्ड डेटा है, सेंसर डेटा है जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड पे जाता है। तो इसमें ये फोकस है इस डेफिनेशन में। सही समझने की बात है कि हम ना बिलियंस ऑफ डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, एक दो की नहीं, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड होंगी इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रेवोल्यूशन में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इसका आपको इम्पैक्ट समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेटा देख बताता हूँ। IoT विल एड $15 trillion टू द ग्लोबल इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगले 20 साल में ना $15 trillion इकोनॉमी पंप होंगे, फिर 50 billion डिवाइसेज होंगी जो कनेक्टेड होंगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ये भी 2020 तक, 2020 तो आई, हम 19 में बैठे हुए हैं अभी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का रेवोल्यूशन है, बड़ी तेज़ी से आ रहा है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान वाले इसमें एक पार्ट प्ले करेंगे। अब जो समझने की बात है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर जो है ना वो आपको उससे ज़्यादा कनेक्शन मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे, क्योंकि सारी फिजिकल डिवाइसेज इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप अगर दुकान में जा रहे हैं तो बहुत सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप कम्युनिकेट करेंगे, अपने घर पर आ रहे हैं तो ये कस्टमर इंगेजमेंट इससे बढ़ेगी और इम्प्रूवमेंट होगी। फिर टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन है, हम वही चीज़ ज़ाया नहीं होने देंगे, कोई चीज़ वही चीज़ कस्टमर को डिलीवर करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वेस्टेज बचेगा, आपका नए किस्म के बिज़नेस मॉडल आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, नए किस्म के बिजनेसेस आप शुरू कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतर बिजनेस डिसीजंस कर सकेंगे क्योंकि आपके पास डेटा होगा। इनेबलिंग फैक्टर्स क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, सबसे पहले तो मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ अभी कि मिनिएचराइजेशन है। मिनिएचराइजेशन में ये क्या है कि छोटे से छोटे होते जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा है कनेक्टिविटी, हर जगह इंटरनेट है, वाईफाई की सूरत में हो या 5G की सूरत में हो। दूसरा, इनएक्सपेंसिव प्रोसेसर्स हैं, सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, ये सब इनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। और क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग हो गई है कि सारा डेटा, क्लाउड क्या है, क्लाउड कुछ भी नहीं है, इंटरनेट पे कुछ सर्वर्स हैं जो कि आप रेंट कर रहे हैं, तो आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से सारा डेटा वहाँ जा रहा है,
तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है, वरना अपने सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़े और उनको प्रोसेसिंग करनी पड़े तो बहुत महंगा पड़ेगा, और चारों तरफ कंप्यूटिंग ही कंप्यूटिंग है। तो इससे आप इनेबल हो गए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में अंदर जाने के लिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये कंपोनेंट्स ऑफ IoT आर्किटेक्चर है। अच्छा, ये तस्वीर जो है ना, इस पर मैं बड़ी तफसीली से डिस्कशन करूँगा, क्योंकि इसमें ना पूरी कहानी आर्किटेक्चर की ना आपको समझ में आ जाएगी, डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आप लेफ्ट साइड पे देखें, उसने ना कनेक्शन किए हुए 3-4 IoT डिवाइसेस से। वो क्या क्या है आप देखें, सबसे पहले कैमरा कनेक्ट किया है उसने तार से ना, IoT गेटवे से कनेक्ट किया है। हम अभी डिस्कस करेंगे IoT गेटवे क्या होता है बाद में। तो कैमरा IoT गेटवे से कनेक्ट किया है, फिर उसने क्या किया है कि जो नेस्ट का थर्मोस्टेट है उसको कनेक्ट किया वाईफाई से IoT गेटवे से। फिर उसने कनेक्ट किया है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, मिसाल के तौर पे आपने घड़ी है, वो वेरिएबल है, वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है। फिर उसने ये तीनों चीज़ें तो कनेक्टेड हैं वाईफाई से, जो चौथी चीज़ है ना वो कनेक्टेड है 5G से। और ये देखिए कि सेलुलर इंटरनेट कनेक्शन से चौथी चीज कनेक्टेड है। अच्छा, इसने फिर क्या किया है, IoT गेटवे डिस्कस करने से पहले ये सारी चीज़ें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, ये सब IoT गेटवे से या डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड हो रही हैं बाय 4G और 5G टेक्नोलॉजीज। अच्छा, अब ये IoT गेटवे देखें आप, जो IoT गेटवे है ना वो एज पे है। अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट आया है एज कंप्यूटिंग का। देखें, गौर से सोचें तो ये सारी डिवाइसेस डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्टेड हो सकती हैं, यानी सर्वर से कनेक्ट हो सकती हैं, मगर उसमें मसाइल हैं। अगर हम डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्ट कर देंगे ना, मसला क्या होगा, देखें इस वक्त ये एज डिवाइसेज हैं, मिसाल के तौर पर थर्मोस्टेट है, ये टेम्परेचर क्लाउड पर भेजेगा, और अगर फर्स्ट में आग लग गई है तो रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाएगा। हम चाहते हैं बीच में आपके घर के अंदर जो एज कहलाता है वहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई हो, जो कि माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हो और फौरन उसको बताए कि ये करो। जैसे ही वो टेम्परेचर हाई डिटेक्ट करे उस पर वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करे। क्लाउड पे लेटेंसी होगी, क्लाउड में डेटा भी, इतना डेटा फेंकेंगे आप तो बहुत महंगा पड़ेगा क्लाउड पे। तो हमने क्या किया है, सारी जो डेटा आ रहा है IoT गेटवे में, जो कि एज डिवाइसेज है। अच्छा, फिर क्या है, वहाँ से डेटा जा रहा है, देखें राइट साइड पे जा रहा है, वह क्या जा रहा है, वो जा रहा है क्लाउड पे। क्लाउड पे सारा डेटा जमा हो रहा है, एनालाइज तो पहले ही हो गया है वो एज पे, कुछ एनालिसिस क्लाउड पे भी हो सकती है। और वो जब दोनों चीज़ें क्लाउड से आपका ना मोबाइल फ़ोन और दूसरे वेब के एप्लीकेशन कनेक्टेड है, और वो जो यूज़र को दिखा रहे हैं डेटा वो क्लाउड से दिखा रहे हैं। तो हम बारी बारी चलते हैं, तो इस पूरे डायग्राम को दोबारा रिवाइज करते हैं। मैं अब राइट साइड से लेके आऊँगा, यूज़र है उसका मोबाइल फ़ोन है या वेब है, वो कनेक्टेड है किससे, क्लाउड से, वो डेटा सारा क्लाउड से ले रहा है। क्लाउड के पास डेटा कहाँ से आ रहा है, एज से, और एज के पास डेटा कहाँ से आ रहा है, सेंसर और एक्चुएटर्स के पास से आ रहा है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो ये डायग्राम है, ये डेटा जा रहा है पूरा IoT डिवाइसेस से सीधा यूज़र के पास, बीच में एज और क्लाउड से होते हुए। तो मैंने ये आपको डायग्राम पूरा समझा दिया, इस पे ज़रा सा देख के गौर किया करें, और यही हमारा आर्किटेक्चर होगा आगे चल के हम जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। मैंने आपको अभी एक डायग्राम दिखाया, अब मैं चार्ट की सूरत में यही चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये जो हमने अभी आर्किटेक्चर डिस्कस किया है ना IoT कंपोनेंट्स, ये चार्ट की सूरत में हम देख रहे हैं। वो क्या है, आप देखें कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जो है ना, सिलिकॉन है, माइक्रो प्रोसेसर है या वो है क्या कहते हैं, सेंसर है या एक्चुएटर है, ये कनेक्टेड है। ये किसके अंदर है, ये IoT डिवाइसेस में है। वो किससे कनेक्टेड है, गेटवे से। गेटवे किससे कनेक्टेड है, नेटवर्क पे, और फिर क्लाउड से। तो ये लेफ्ट टू राइट, आप ये स्लाइड ज़रूर देखिएगा, और आपको ये स्लाइड्स अवेलेबल भी होंगी गूगल स्लाइड्स पे, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं और वीडियो देखते हुए भी देख सकते हैं। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ IoT डिवाइसेस। आप देखें इसमें मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल है, मैं सब पे तो नहीं जाऊँगा। राइट साइड पे देखें, होम सिस्टम मॉनिटर, आपको पूरे घर को मॉनिटर करना है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक एप्लीकेशन है। फिर लेफ्ट को देखें, एग्रीकल्चर सेंसर है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक एग्जाम्पल है। फिर देखें इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, फिर क्या कहते हैं आप ये देखिए, स्मार्ट स्पीकर्स हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। मैं बारी बारी सब में जाने का आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद देख लीजिएगा स्लाइड पर। अभी तक हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था,
अब उस आर्किटेक्चर के लिए हमें सॉफ्टवेयर, हम इस क्लास में, इस प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे ना वो आपको बताता हूँ मैं, वो ये है कि देखें जो IoT डिवाइसेस हैं ना उसमें माइक्रो कंट्रोलर आमतौर पर लगे हुए हैं। उस माइक्रो कंट्रोलर पे आप सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं उसको प्रोग्रामिंग के लिए। हमारे पास तीन चॉइसेस हैं, C, C++ और जो लेटेस्ट आई है रस्ट। C और C++ 40 साल पुरानी लैंग्वेजेस हैं, वो सेफ भी नहीं है। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे सेफ ना होने का क्या मतलब है। C और C++ का दूसरा मसला है सिंटैक्स भी पुराना है इसका। हमने इस क्लास को पढ़ाने के लिए लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जब हम शुरू हुए थे उस वक्त तो बहुत कम कंपनियां इस्तेमाल कर रही थी। अब फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ने जो अपना लिब्रा क्रिप्टोकरेंसी निकाली है उसका नोड जो है वो सारा रस्ट में लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट भी अब बहुत ज़्यादा बातें करने लगी है रस्ट की, कि हम अपनी प्रोग्रामिंग रस्ट में लेके जाएंगे क्योंकि सेफ लैंग्वेज है। और स्पीड रस्ट और C++ की तकरीबन एक ही जैसी है। तो हमने ये देखा कि माइक्रो कंट्रोलर पे बेयर मेटल प्रोग्रामिंग कहलाती है, यानी इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। तो माइक्रो कंट्रोलर्स पे रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करेंगे, इसको एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, और हम ये सेकेंड सेमेस्टर में अपनी कवर करेंगे। फिर आ जाते हैं आगे, IoT गेटवे पे मोस्ट प्रॉब्ली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर है, मिसाल के तौर पर रसबेरी पाई सिस्टम ऑन चिप है, तो हम अगर एक है तो हम लिनक्स के ऊपर डायरेक्टली रस्ट प्रोग्राम चलाएंगे, और हम उसके मिसाल के तौर पर हाइपर एक फ्रेमवर्क है अभी, मगर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि रस्ट प्रोग्राम चल रहे होंगे जो कि माइक्रो कंट्रोलर से बात कर रहे होंगे और साथ साथ डेटा क्लाउड की तरफ भी भेज रहे होंगे। तो ये रस्ट प्रोग्राम्स होंगे जो कि रसबरी पाई जैसे एज डिवाइसेस पे चल रहे होंगे। मैंने आपको जिक्र किया था कि जो IoT गेटवे है ना वो बेसिकली एज डिवाइस है, वो उस पर क्या चल रहा है, उस पर लिनक्स चल रहा है और उसके ऊपर रस्ट चल रहा है। मगर अगर एक से ज़्यादा एज डिवाइसेज हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्लस्टर बनाना पड़ेगा और उस पर हम Kubernetes चलाएंगे। ये भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। अच्छा, Kubernetes की क्यों ज़रूरत पेश आई? ताकि अगर कोई एक सिस्टम फेल हो जाए तो वो चलता रहे। फर्ज करें 5 रसबरी पाए लगे हुए हैं एज पे, आपकी गाड़ी में तो आगे चल के इस तरह के माइक्रो सिस्टम होना चाहिए ना 10 लगे हुए होंगे, तो अगर कोई एक भी सिस्टम ख़राब हो जाए ना तो कोई मसला नहीं है। और फिर आ जाते हैं क्लाउड पे, क्लाउड पे भी माइक्रो सर्विसेज चल रही होंगी, इन माइक्रो सर्विसेज पे भी रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। तो हमने ये देखा, और फिर आगे चल के जो यूज़र है, जो यूज़र कनेक्ट हो रहा है अपने मोबाइल और वेब ऐप से, वहाँ भी रस्ट इस्तेमाल हो रही होगी, मगर वो रस्ट जो है वो कंपाइल करेगी वेब असेंबली में। तो मैं आपको रिपीट करता हूँ, लेफ्ट साइड पे माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर पे बेयर बोन रस्ट चल रही है, बेयर मेटल पे रस्ट चल रही है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर एज डिवाइस है, रसबरी पाई हो सकती है, IoT गेटवे है, वो वहाँ पे लिनक्स के ऊपर या तो डायरेक्ट रस्ट चल रही है, वो भी माइक्रो सर्विसेज होंगी, या Kubernetes पे वो माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फिर ये डेटा आ रहा है क्लाउड पे, क्लाउड पे भी हम Kubernetes इस्तेमाल करेंगे और माइक्रो सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, और रस्ट उस पर चल रही होगी माइक्रो सर्विसेज के उसके लिए। फिर हम जो यूज़र है सबसे आखिर में, यूज़र जो कनेक्टेड है क्लाउड से, जो यूज़र कनेक्टेड है क्लाउड से वो क्या कर रहा है, वो डेटा ले रहा है और वो ब्राउज़र के अंदर वो डेटा चल रहा है, वो जो डेटा को दिखाना है। तो जब ब्राउज़र के अंदर दिखाना है तो हमें उसके लिए रस्ट ही प्रोग्राम लिखेंगे, मगर वेब असेंबली में उसको कंपाइल करेंगे। तो ये नया टेक्नोलॉजी आई है बिल्कुल, ये भी दुनिया को चेंज करके रख देगी। तो हमने आपको एंड टू एंड अपने आर्किटेक्चर को बताया, हम मुख्तलिफ जगहों पर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो करे होंगे। इस मौके पर मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ, हम जो ये कर रहे हैं इसमें जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं एंड टू एंड अप्रेस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम Kubernetes इस्तेमाल करेंगे, हम लिनक्स इस्तेमाल करेंगे, फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह सेमेस्टर्स में करेंगे। मुझे ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन दिखाई कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, फिर रस्ट प्रोग्रामिंग पे चले जाएंगे। पूरे सेमेस्टर क्वार्टर में ना आप रस्ट प्रोग्रामिंग करते रहेंगे, सेकेंड क्वार्टर में आप एम्बेडेड रस्ट करेंगे, और थर्ड क्वार्टर में आप वेब बेस्ड रस्ट करेंगे कि वेब सर्वर्स कैसे बनाते हैं रस्ट में। तो ये तीन किस्म के, तीन क्वार्टर का मैंने बता दिया, अभी तीन के बाद अभी आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तीन तक तो पहुँचाएँ।